नमस्कार, आप सबका स्वागत है। बॉलीवुड में एक्शन के साथ दमदार डायलॉग बोलने वाले सनी पाजी की फिल्म जब उतरती है तो सारे खान की फिल्मों के रंग भी फीके पड़ जाते हैं। 2001 की हिट फिल्म गद्दर एक प्रेम कथा तो याद ही होगा। बता दें कि सनी देओल की इस फिल्म ने उस समय लगभग 286 करोड़ का कारोबार किया था। फिल्म में सनी देओल और अमीषा पटेल की जोड़ी को खूब पसंद किया गया था। कल इस फिल्म के डायरेक्टर अनिल शर्मा ने अपने बेटे की डेब्यू फिल्म जीनियस के अनाउंसमेंट पर गदर को लेकर भी कई बातें कही। अनिल ने बताया, मैंने अब तक कॉरपोरेट की तरफ से आए गदर के सीक्वल के कई ऑफर्स ठुकराए हैं। वो लोग इसे बनाना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि गदर जैसी फिल्म दोबारा नहीं बनाई जा सकती है। पिछले 15 सालों में कई बार गदर 2 को लेकर बातें की गई हैं, क्योंकि अब इतने सारे लोगों की डिमांड आ रही है तो मैंने भी अपना मन बना लिया है। इसके आगे अनिल ने फिल्म की कास्ट को लेकर भी बात की और बताया, मेरा बेटा उत्कर्ष, जिसने गदर में सनी के बेटे का किरदार निभाया था, वो अब बड़ा हो चुका है। वो इस फिल्म में होगा और सनी तो होंगे ही होंगे।